देखिए 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, 18th सेंचुरी का मतलब है कि 1700 का साल, ठीक है, 1700 से लेकर के 1800 तक का समय। इस समय पूरा का पूरा जो मुगल एम्पायर था, मुगल जो भारत में थे, वहां पे कौन कौन राजा है, मुगल समझते हैं ना, अकबर, बाबर, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं, हम लोग औरंगजेब पे हैं। तो देखो याद रखना, एक ईयर अच्छे से रीड करके अंडरलाइन करो बेटे उसको, ठीक है ना, करो। 1707 में, मैं 18th सेंचुरी की बात कर रहा हूं ना, तो 1707 में औरंगजेब मर गया, जो कि माना जाता है कि मुगल डायनेस्टी का, मुगल वंश का अंतिम महान राजा था या शक्तिशाली राजा था। उसके मरने के बाद 1707 से 1707 से लेकर के 1857 तक, 1857 तक जितने भी राजा हुए, जो भी हुए, वो बड़े कमजोर थे और ज्यादा काबिल नहीं थे। आपको मैंने शायद नहीं बताया, बता दूं, ये जब 1757 की बात मैं आपको बताऊं, 1757 में जो अंग्रेज थे, उन्होंने बंगाल में बैटल ऑफ पलासी, पलासी का युद्ध लड़ा, और उस युद्ध के बाद, बैटल के बाद, बिहार, बंगाल, ये सब जो इलाके थे वो उनके अधिकार में हो गए, क्योंकि बंगाल का जो नवाब था, राजा था, उसका नाम था सिराजुद्दौला, वो इस लड़ाई में मारा गया और उस पूरे पे उसका अधिकार हो गया, 17 अंग्रेजों का। 1764 में, मैंने 1757 बताया ना आपको, 1757 में बैटल ऑफ पला, 1707 में औरंगजेब चचा लुढ़क लिए। मैंने बहुत सारे साल बता दिए, मैं जो बोल रहा हूं तुम सुनते जाओ। 1707 में औरंगजेब मर गया, 1757 उससे 50 साल बाद बैटल ऑफ पलासी हुई बंगाल में, उसमें अंग्रेज जीत गए और बंगाल पे उनका अधिकार। अब 1757 से आगे बढ़ोगे तो 1764 की बात है, 1764। इस साल क्या हुआ कि बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में या बैटल में देखो कौन कौन थे। उस समय जो मुगल राजा था, मुगल एम्परर था, उसका नाम था शाह आलम सेकंड, शाह आलम द्वितीय। पूरा उत्तर प्रदेश को उस समय अवध कहते थे। अवध का राजा कौन था, आ जाइए यहां पे, जगह यहां हटल बैग। उस समय अवध का राजा सुजाउद्दौला था। क्या था? सुजाउद्दौला। और बंगाल से, बंगाल का जो नवाब कह लो या बंगाल से भागा हुआ वहां का जो राजा था, उसका नाम था मीर कासिम। तो मैं बात कर रहा हूं 1764 की, मुगल राजा शाह आलम सेकंड, अवध या उत्तर प्रदेश का जो नवाब था या राजा सुजाउद्दौला, और बंगाल का जो भागा हुआ नवाब था या राजा था मीर कासिम। तो मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड एक तरफ थे और दूसरे तरफ अंग्रेज। इनका युद्ध हुआ जो बिहार और यूपी के बॉर्डर पे, एक जगह है बक्सर, तो बक्सर का युद्ध था। बक्सर के युद्ध में जैसे ही अंग्रेजों को जीत मिली, तो उसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, अवध, इन सभी इलाकों पे उनका अधिकार। जैसे जैसे अंग्रेजों का अधिकार बढ़ता गया, मुगलों का अधिकार कम होता गया, और एक समय ऐसा आया कि जो मुगल राजा था ना, दिल्ली के आसपास के इलाके तक सिमट के। हाँ बेटा ले जाओ।
बेटा वीडियो मत देखिएगा कोई यूट्यूब पे, मतलब ले जाओ तो अब हम लोग बात करते हैं। आजा बेटा सिवा पहने रख आजा इस साइड आजा, यहां बुक होगी ले जाओ। द क्राइसिस ऑफ एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स, द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर, जो साम्राज्य था मुगलों का, जो शासन था, देखो बेटा यहाँ है वो ले गया इसमें है ना, ले जाओ। शासन में दिक्कत होने लगी, अब मुगल इतने मजबूत नहीं रहे कि पूरे देश को अपने अधिकार में या कब्जे में करके रख सके, और साथ ही साथ आगे आने वाले जो भी मुगल थे औरंगजेब के, तो बहुत कमजोर थे। तो देखिए इसमें क्या हुआ, जैसे मैं आपको बता, जो मुगल राजा था एम्परर था वो दिल्ली में रहता था, दिल्ली राजधानी थी, और वो साउथ इंडिया से लेकर के अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश तक उसका राज्य था, बिहार बंगाल सब जगह था, मध्य प्रदेश तक। तो जैसे मैं आपको अभी बता दूं, भारत के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वो दिल्ली में रहते हैं ना, कैपिटल में, राजधानी में, ठीक है, दिल्ली में रहते हैं राजधानी में। और लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो अरुणाचल प्रदेश के, तमिलनाडु के या गुजरात के पीएम नहीं कहे जाएंगे, वहां के भी प्रधानमंत्री हैं। और वहां पे कंट्रोल कैसे रखते हैं, वहां पे गवर्नर या राज्यपाल और नहीं तो चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री होते हैं। तो मुगलों ने भी हर इलाके में अपने अपने इसी टाइप के चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर रखे थे, ठीक है, जिसको कि वहां पर मनसबदार कहा जाता था। जैसे हम लोग राज्यपाल कहते हैं ना गवर्नर, तो वो लोग उसको मनसबदार कहते थे, ठीक है। जब तक काम देखूंगा तेरा मैं, जब तक सेंटर में ताकतवर राजा था, जैसे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तब सब लोग मतलब की बात सुनते थे, राजा के कंट्रोल में थे। लेकिन जैसे पता चला कि आगे जाकर के जो राजा है वो बहुत कमजोर है, वीक है, तो क्या किया कि जितने भी लोग दूर दूर वाले मनसबदार थे, या समझ लीजिए कि चीफ मिनिस्टर या राज्यपाल थे, गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि अब हम मुगलों के कंट्रोल में नहीं, राजा को हम नहीं मानते। जैसे मान लो मैं आपको बताऊं, बीजापुर कर्नाटक का इलाका है, अहमदनगर भी कर्नाटक का इलाका है, ठीक है, आंध्र प्रदेश बंगाल का इलाका, अवध का इलाका, अवध मतलब उत्तर प्रदेश का इलाका, पंजाब का इलाका, ये सब दिल्ली से दूर था। तो वहां के जो भी मनसबदार या गवर्नर थे वो कहते थे भाई हम तुम्हें नहीं मानते, हम आजाद हो गए, ये जो पूरा पंजाब है अब हम तुम्हारे गवर्नर नहीं है, हम यहाँ के राजा हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिए। बस समझ में आ रही आप लोग को। अब मान लो मुगल जो एम्परर था, इतना बड़ा साम्राज्य था, संपड़ा इसलिए था क्योंकि हर जगह उसका आदमी था, मिनिस्टर या राज्यपाल था, जो कि जाके उनको टैक्स राजा को देता था और सेना भी देता, शक्तिशाली। लेकिन एक एक करके जैसे ही सेंटर में राजा कमजोर हो गया, तो सारे के सारे अपने आप को आजाद घोषित कर दिए, है ना, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। और देखते ही देखते ही सबसे बड़ा कारण था जिसके चलते औरंगजेब के मरने के बाद मुगलों के जो भी राजा हुए वो कमजोर होते चले, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों, क्योंकि जो भी उनके राज्यपाल या गवर्नर आप समझ सकते हो मनसब, जिनको मनसबदार कहा जाता था, वो अपने आप को उसे आजाद घोषित कर देते थे कि हम तुमसे आजाद हो गया, तुमको हम कुछ नहीं, ना तो टैक्स देंगे और ना तुमको अपना सैनिक भेजेंगे, समझ में आ रहा है ना। देखिए मैं आपको और समझा दूं, अभी अगर तमिलनाडु का
पूरा साउथ इंडिया, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये सब पूरा अगर देख लो आप, सबके स्टेट के जो सीएम या गवर्नर कहते हैं कि भाई हम पीएम को नहीं मानते, इस प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानेंगे, हमारी अपनी आर्मी है, हमारा पुलिस है, हम अपने अलग देश है, हम आजाद हो गए, तो भारत छोटा हो जाएगा ना। और ऐसे ही बिहार, बंगाल, उड़ीसा भी बोल दे तो उधर पूरा भी कट गया पूरा। तो इसी तरह से उसमें मुगलों की स्थिति, अभी तो नहीं हो सकता लेकिन उस समय ऐसा ही। समझ मेरी बात बेटे? अगर ऐसा हो जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कल पढ़ा रहे थे ना, सिर में दर्द हो गया था आप लोगों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 है, 356 तक है ना, 395 तक, तो 352 जो आर्टिकल वो कहता है, राष्ट्रपति को अधिकार देता है प्रेसिडेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करने का, कि अगर देश में कोई विद्रोह हो गया, राज्य ने विद्रोह कर दिया ना, उसमें 356 भी है, 356 भी, अगर कोई एक स्टेट मान लीजिए कि महाराष्ट्र कह दे कि हम भारत में नहीं, हम अलग है, या जम्मू कश्मीर, तो प्रेसिडेंट के पास अधिकार होता है इमरजेंसी या आपातकाल डिक्लेयर करने का। इसका मतलब ये हो गया कि वहां की सारी सरकार की पावर छीन ली जाती है, वहां जो गवर्नर या राज्यपाल होता है वही शासन चलाएगा, और वहां आर्मी भेज दी जाती है, आर्मी ही पूरा देख रहे, कोई पुलिस का कोई काम नहीं रहता वहां, सरकार सीधे फिर प्रेसिडेंट अपने हाथ में पूरा रूल ले लेता, रूलिंग ले लेता है शासन। समझ मेरी बात आप लोग? बाद में खा लेना बेटे, ऐसे भी क्या बात, तो बेटे ऐसे चर्चर चर्चर करोगे तो मेरा डिस्ट्रैक्ट होता है ना, अरे छोटा दिमाग मेरा, ले खरी ले, खत्म कर, मैं इंतजार कर लूंगा, क्या ला है, खत्म खत्म कर, नहीं चिंता ना कर, मैं ना खाऊ, जल्दी कर, पानी पिए, पानी पिए, अब क्या प्लास्टिक में खाएगा, फेंक में दीजिए, हूँ बेटा, आटे चक्की में चला गया गेहूं, अब पिस के निकलेगा, चलो देखो। तो यहां तक आपको मनसबदार वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा कि जो भी राज्यपाल या गवर्नर होते थे वो धीरे धीरे अपने आप को आजाद घोषित करने लगे, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे, जिससे राजा की शक्ति कम होने लगी और मुगलों की जो पावर थी घटती चली गई। आगे देखिए, एक तो ये हुआ, दूसरा क्या था कि राजा को टैक्स कौन देता था, राजा को जो टैक्स मिलता था वो किसान देते थे, किसान खेती बाड़ी करते थे, जो अनाज उगाते थे उससे टैक्स देते थे वही अनाज। अब सोचे कि राजा तो कमजोर है, तो मुगलों के कंट्रोल में जितना इलाका बचा, राजा के कंट्रोल में जितना इलाका बचा, दिल्ली के आसपास वाला, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाला इलाका, वहां के जो जमींदार और किसान थे उन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया कि हम भी टैक्स नहीं देंगे, उन्होंने भी लड़ाइयां लड़ी, ठीक है। इस तरह से जो भी बाकी कसर थी वो भी पूरी होगी और भी राजा कमजोर होता चला गया। आयरन स्मिथ, ये सब हो ही रहा था, जैसे नहीं होता है कि आदमी बारिश में भींग रहा हो, कीचड़ में फंसा हुआ हो, तब तक सर पे ओले गिर जाए, तो नहीं कहते आसमान से गिरे और खजूर में अटके, वो वाला हाल, ठीक है। और ओले गिर रहे हो तब तक किसी ने क्या किया ना, अपना जोटा पीछे छोड़ दिया तुम्हारे, अब कीचड़ में धसे हो, बारिश हो रही है, सर पे ओले भी गिरे हैं, जोटा भी पीछे, तो हर तरह से समस्याओं से घिरा हुआ। तो उस समय अब देखो, मुगल जो राजा था वो तो हर तरह से कमजोर था बेचारा, उसके पास तो कुछ था नहीं। 1739 की बात है, 1739 की, ईरान, बेटे धीरे धीरे थोड़ा, ईरान का जो राजा था उसका नाम था नादिर शाह, ईरान के राजा का नाम था नादिर शाह, उसने उस समय दिल्ली पे अटैक किया, ठीक है, और दिल्ली पे अटैक करके दिल्ली में अच्छे खासे लोगों को मारा, काटा सबको, उसके बाद यहां से जो जो कीमती कीमती चीज थी सब लूट के ले गया, ठीक है ना।
इसका दीदी बता दे, इसी का इसकी हेल्प करने दे। पढ़े भी इस पढ़ते हैं कर लो जो। मैथ कर लो। देखो 1739 में ईरान का, ठीक है, जिसको हिंदी में कहीं कहीं फारस भी लिखा होगा, फारसी वहीं की लैंग्वेज है, पर्शियन, तो उसने अटैक किया और यहां पर दिल्ली को लूटा, अधिकतर लोगों को मारा, ठीक है, ये बड़ी समस्या थी। ये हुआ ही था तब तक, है ना, अफगानिस्तान का जो सुल्तान था अहमद शाह अब्दाली, 1739 में नादिर शाह का हमला हुआ था दिल्ली पे, ये सारे क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा। 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पे अटैक कर दिया, ठीक है, वो लूट मार के गया ही था, अभी बेचारा किसी तरह अपने पट्टी उट्टी चेंज ही करा रहा था, तब तक आ करके बेटे आज रोल प्ले कराएंगे आपको। हाँ, तो ये सब हो ही रहा था तब तक 1748 में ये, और 1761 तक, 1748 से 1761 तक, 1748 से 1761 के बीच में 5 हमले किए अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर, लूटने के लिए। बेटा पैसा ज्यादा था ना इनके पास, इंडिया वालों के पास, और इससे और भी कमजोर हो गए। इनवेटेड मतलब घुसना जबरदस्ती, जैसे मान लो रात में, है ना, कोई डाकू आया दरवाजे पे एक लात मारे, दया की तरह दरवाजा टूट गया, घर में घुस के सारे कुरकुरे चिप्स फिंगर ले गया, उसको कि इन्वेडर कहेंगे। नहीं नादिर शाह नहीं, हर बार जीते बेटे, दिल्ली वालों को तो सब लूट गए पूरा काट के। ये टॉकिंग ही है, टॉकिंग। देखिए, ऑलरेडी अंडर सेवियर प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड द एम्पायर वॉज फर्दर वीकेंड बाय कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ नोबल्स। दे वर डिवाइडेड इंटू टू मेजर ग्रुप्स ऑफ फैक्शन, द ईरानियन एंड तुरानीस नोबल्स ऑफ तुर्किश डिसेंट। देखो, अब मुगल जो राजा था वो, और जो महल था वो बहुत कमजोर होने लगा, वहां की जो राजनीति थी, पॉलिटिक्स थी जो महल की, वो बहुत कमजोर होने लगी। तो क्या किया गया, पूरे के पूरे दरबार में या कोर्ट में दो ग्रुप बट गए, दो लोगों के ग्रुप। एक थे ईरानी, जो ईरानी लैंग्वेज बोलते थे, पर्शियन लैंग्वेज बोलते थे मंत्री लोग, और कुछ मंत्री वो थे जो कि तुरानी थे, जो कि तुर्किस, टर्की की, तुर्की की लैंग्वेज बोलते थे। इसमें क्या हुआ, लेटर मुगल एम्परर वर पपेट इन द हैंड्स ऑफ आइदर वन और द अदर ऑफ दिस टू पावरफुल ग्रुप्स। आगे जा करके अब जो भी मुगल राजा बनता था वो या तो ईरानियों के का तोता बन गया, जो बोलता था वो बोलना पड़ता था, ज्यादा बोलने पे गुद्दी चमका दे कहीं मार के, है ना, उसी की दया से राजा बनता था, और नहीं तो फिर तुर्कीस या तुर्कानी लोगों के बात सुननी पड़ती थी। तो वही लोग एक तरह से कंट्रोलर हो गए कि दिल्ली में कौन राजा बनेगा, कौन मुगल वंश का राजा बनेगा, वही कंट्रोल करते थे, सब डिसाइड करते थे, ठीक है ना। तो तुर्कीस और ईरानीज, ईरानीज एंड तुर्कीस याद रखिएगा आप लोग। अब देखो, दो मुगल राजा जब बाद में बने उनके बारे में सुन लो। एक था फारूक सियर, फारूक सियर वो मुगलों का राजा 1713 से लेकर के 1719 तक था, 1713 से लेके 1719 तक, और आलमगीर द्वितीय, आलमगीर सेकेंड 1754 से 1759 तक, ठीक है, वर एसेसिनेटेड। इन दोनों लोगों को, ये जो दोनों राजा बने थे इनकी हत्या कर दी गई थी, मार दिया गया था ये राजा जब थे। एंड टू अदर, अहमद शाह जो कि 1748 से 54 तक था,
एंड शाह आलम सेकेंड, जो 1759 से 1816 तक थे, उनको ब्लाइंडेड बाय देयर नोबल्स। तो मैं इंग्लिश से तो बोल रहा हूं ना, लड्डू वर ब्लाइंडेड बाय देयर नोबल्स, उनकी आंखें फोड़ दी गई राजाओं की सजा के रूप में। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि उनको बेलायक बना दिया गया, जो राजपद तुम कुर्सी पे बैठे हुए हो, जो कहेंगे ना वही करना है, जो मंत्री कहते थे वही उनको मजबूरी थी करना, क्योंकि सारी पावर उन्हीं के पास, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर, अगर मान लो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, ताकतवर है ना, जो बोलेंगे होगा, उन्होंने ऑर्डर दिया, किसको ऑर्डर देंगे, आर्मी को ही ऑर्डर देंगे ना, और आर्मी का हेड कहेगा ना जा मैं तेरी नहीं सुनता, हो गया काम खत्म। तो चुपचाप चल, मंत्री हो प्रधानमंत्री, अच्छे से बैठने बैठ, कुल्ले में दिक्कत है, चक्के लगे हुए हैं क्या, पता नहीं मतलब किस दुनिया से आते हो आप लोग, चक्के निकलवा के आओ, ऐसे ऐसे जो झूलते हैं उनसे पूछो। चलो कोई बात नहीं, आगे देखिएगा, इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे मुगल राजा कमजोर होते गए, कंट्रोल कमजोर होता गया, तो पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पे राज्यों का या छोटे मोटे स्टेट्स का निर्माण होता गया, बनने लगे। वहां के जो भी सूबेदार या मनसबदार थे, जो राज्यपाल थे, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते कि हम आजाद है भैया, हम पे किसी का कंट्रोल नहीं। अब देखो इसमें कैसे क्या क्या हुआ। सबसे पहले अवध, बंगाल और हैदराबाद में ये हुआ। हैदराबाद में जो निजाम था ना, निजाम वहां का राजा बन गया खुद को, बंगाल में नवाब थे, बंगाल में मुर्शिद कुली खान, उसने अपने आप को आजाद डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और जो अवध था, यहां पे सआदत खान होगा इसी तरह से, या निजामुल मुल्क होगा, इसमें लिखा होगा, मैं बता रहा हूं, सआदत खान है ना, ठीक है, आसफ जा निजाम, ठीक। देखो तो सआदत खान अवध, जो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहे हो ना, यहां का अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दिया, यहां का वो सूबेदार था। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल का, और आसफ जा ने अपने आप को हैदराबाद का राजा डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और ये यहां पे मनसबदार थे, और उसी के रहते हुए यहां पर इन्होंने अपना पूरा अधिकार कर लिया। अब मुगल राजा इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, ये अपना शासन चलाते। आएगा भाई तुम्हारा आज, देख अब तुम जाओ। चलिए हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद का जो राजा था, निजामुल मुल्क आसफ जा, द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट, वॉज वन ऑफ द मोस्ट, ये बेटे अच्छे से याद रखिएगा आप लोग ये नाम, हैदराबाद में मुगलों से आजाद होने के बाद जो पहला राज्य बना, उसका राजा या फाउंडर कौन था, निजामुल मुल्क आसफ जा। निजामुल मुल्क याद रख लो या आसफ जा याद रख लो। स्टेट वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर ऑफ द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्परर फारूक सियर। ही वॉज इंटरेस्टेड फर्स्ट विद द गवर्नमेंटशिप ऑफ अवध एंड लेटर गिवन चार्ज ऑफ द दक्कन। ये जो निजामुल मुल्क आसफ जा था, जब फारूक सियर राजा बना, तो पहले ये तो वहां का था, अवध का। कौन बातें कर रहा है भाई, बिल्कुल शांत रहो। निजामुल मुल्क जो था,
पहले अवध का उसको है ना मनसबदार बनाया गया, जैसे नहीं है गवर्नर का राज्यपाल का ट्रांसफर किया जाता है, वहां से ट्रांसफर करके उसको हैदराबाद भेज दिया गया। अब हैदराबाद जब आया ना ये निजामुल मुल्क का सब्जा, तो इसने अपने आप को यहाँ आजाद डिक्लेयर किया, ठीक है। इसने अपने पास बहुत ही अच्छे और पेशेवर ताकतवर सैनिक रखे। 4 बजे छुट्टी कर देंगे फोर्थ और फिफ्थ सब की, चिंता मत करो, ठीक है ना। हेलो, हाँ बेटे नैतिक को छोड़ दिया, अभी 2 मिनट पहले निकला। तो डाउट्स में रखो, डाउट्स में कराएंगे, जो समझ में आ रहा है बेटे कर लो आप लोग, ठीक है। सो बेटे मैथ कर लो ना, तब तक बैठे हुए हो तुम, कल तुमको पूरा एक चैप्टर करके लाना है, और ई फॉर बट नहीं चलेगा, कल स्कूल की छुट्टी है ना, हाँ तो पूरा एक चैप्टर करके लाओगे तुम। अभी कौन सा चैप्टर हो रहा है स्कूल में तुम्हारे, इसके मेजरमेंट है ना, मेजरमेंट की तुम वीडियो देख लेना, ये मत करना मैंने नहीं पढ़ाया, बिल्कुल उसमें समझ में आ जाएगा। एक बार आओ मेरे पास जरा, एक एक मिनट हो सकता है, ठीक है कोई बात नहीं, काम बेटे जरूरी है, अपने काम है ना, काम करवाती, हाँ तो बस और क्या, सबकी छुट्टी हो जाए, तेरी कभी छुट्टी ना होती बेटे, देखता है बहुत दुखी इंसान है, तेरी कभी छुट्टी नहीं होती, संडे के दिन बैठा के काम कराते रहते तेरे से, बता मेरे को कती तेरा जीवन पसंद नहीं। चल देख, देखो ये जितने लोग भी आजाद हुए, जितने भी 3 स्टेट का नाम बोला, जितने भी अभी आजाद हुए उसमें सबसे जो धनी था, रिच था, और 100 कर ले लिए बेटे ना, आज है देखो, तो जितने भी स्टेट थे उसमें ये हैदराबाद वाला निजामुल मुल्क आसफ जाह सबसे रिच था, इसलिए क्योंकि ये जो इलाका था ना, ये मुल्क आसफ जाह खुश नाम था पूरा उसका, हैदराबाद के राजा का, लेकिन बेटा पूरा नाम याद रखिए ना, अब क्या दिक्कत, आधा नाम क्यों करें, मैं आपको बता, देखो बेटा इसका नाम आसफ जाही था, लेकिन जब ये हैदराबाद का जब राजा बना ना, तो इसने एक टाइटल अपने आगे लगा दी, उपाधि नहीं कहते, महामहिम ऋतिक दबास, तो महामहिम जैसे कैसे आगे लगाते हैं, माने कि बहुत महान आदमी, बहुत दयावान है ना, अभी मैं कहता हूँ 4-5 करोड़ दे देगा मेरे, उस तरह से। तो बेटे ये तो उस जमाने की बात है ना, जब हम लोग आजाद भी नहीं हुए थे, ये तो गुलामी की बात हो गई ना, तो उस समय उसने अपना टाइटल लगाया था निजामुल मुल्क का, तो हमको पूरा याद रखना पड़ेगा। अरे इतना शोर क्यों हो रहा है, वो समझाने दो ना, तुम लोग मत बोलो, कोई बोलने दो इसको, देखिएगा। तो निजामुल मुल्क आसफ जाह हैदराबाद के राजा थे, और ये बहुत शक्तिशाली था, इसका फॉरेन ट्रेड मतलब विदेशों से, क्योंकि समुद्र के किनारे था पूरा इलाका, तो विदेशों से व्यापार भी होता था, बहुत ज्यादा रिच थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो राजा था, दूसरे का नाम बताओ, अवध। अवध का देखो, अवध 1722 में, 1722 में अवध आजाद हुआ, यहां पर का एक अपना अलग राजा हुआ, जिसका नाम था सआदत खां, बुरहानुल मुल्क सआदत खान। अब सआदत खान याद रखना, तो बेटे याद तो करना पड़ेगा ना, आप लोग भी बड़े हो रहे हैं,
वहां का क्या था? निजामुल मुल्क आसफ जाह, ठीक है। और अवध का क्या था? सादत खान बुरहानुल मुल्क, सादत खान। याद रख, क्यों सादत खान याद रखो? सर में भड़क हो गई नाम बोल बोल के। सर आपको याद कर कर के कितनी होगी? मेरे तो सब याद है बेटा। तो बेटे आप लोग बच्चे भी तो हो ना, अभी अभी आपका जीवन बचा हुआ है ना, इसीलिए आप बच्चे हो। हमारा जीवन निकल रहा है इसलिए हम बड़े हो गए। और क्या कर लिया भाई, ले जा गया तू तो? बोल दे उसको, कहाँ गया भाई तेरा, जा। देखो तो अवध का जो राजा था, जो उसने जिसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कराया, उसका नाम था बुरहानुल मुल्क सादत खान। 1722 में, ठीक है, 1722 में इसने अपने राज्य की स्थापना की। इसने जब अपने आप को आजाद किया तो उसने क्या क्या किया? पहले आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का जो पूरा इलाका है, गंगा, यमुना, शारदा, घाघरा, गंडक, सरयू, ये बहुत सारी नदियां हैं जिसके चलते यहाँ पे खेती बाड़ी की अच्छी उपजाऊ जमीन है। समझ रहे ना, खेती बाड़ी की उपजाऊ जमीन है। उस जमीन से इसको बहुत ज्यादा टैक्स मिलता था, सारे किसान खेती करते थे। तो इसने क्या किया कि जितने भी मुगल राजा ने जो भी यहाँ पर ऑफिसर बैठा रखे थे, सबको यहाँ से भगा दिया, और जितने भी छोटे मोटे जमींदार थे उनसे भी सारी जमीनें छीन के अपने कब्जे में कर दिया, जिससे कि देखते देखते ही ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बन गया। साथ ही साथ इसने क्या किया कि अपने पास राजपूत और अफगान जो थे ना सिपाही, उनको अपना मंत्री बनाया, जो इसके लिए बड़े वफादार थे और बड़े बहादुर सैनिक भी थे। और इसी बहादुरी के साथ आज मुझे रेस्ट दीजिए।